नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद के साहनपुर के शादा पुत्र हनीफ की 1.5 माह पूर्व साहनपुर के ही युवकों द्वारा बिजनौर से अपने घर साहनपुर जाते वक्त 4 हमलावरों ने लाठी डंडों एवं धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसको पुलिस कर्मियों द्वारा तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां शादाब की स्थिति को गंभीर देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान शादाब की मृत्यु हो गई थी, जिसमें शादाब के भाई द्वारा गांव के ही 4 व्यक्तियों के नाम एवं अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना कोतवाली नजीबाबाद में तहरीर दी गई थी, जिसमें एक अभियुक्त अभी फरार चल रहा है। उन्होंने SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह से आज साहनपुर के चेयरमैन के नेतृत्व में परिजनों का एक मंडल SP धर्मवीर सिंह से मिला और फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं धाराओं को तामीम करने की बात की। SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने परिजनों को जांच कराकर शीघ्र ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। बिजनौर से कैमरामैन इसरार अहमद के साथ हमारे संवाददाता अकीम अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अमन। आप लड़के के कौन है? बाप। आप लड़के के बाप हो? क्या हुआ था, कैसे हुआ? मर्डर कर दिया था 5 साल लोगों ने। कब की घटना है? 27 जनवरी। अच्छा, 5 साल लोगों ने यह टिक्कापुर बुला के हमला किया है। हाँ, फाजिल है, मेहताब है, अतीक है, अजमतुल्ला है, डंडों से कुआड़ियों से मारा उसे। हाँ, सलीम है। अब आप लोग बिजनौर आए हैं, कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं? हाँ, कप्तान साहब से मिलने के लिए आए हैं, इंसाफ के लिए। पूछियो। हाँ सर, आप कैसे यहाँ पर आए हुए हैं, कप्तान के यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या मुझे? देखिए, मैं चेयरमैन साहनपुर हूँ और ये जो मेरे साथी हैं सब लोग सभासद हैं। कुछ पूछियो। हाँ सर, आप कैसे यहाँ पर आए हुए हैं, कप्तान के यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं, क्या मुझे? देखिए, मैं चेयरमैन साहनपुर हूँ और ये जो मेरे साथी हैं सब लोग सभासद हैं, कुछ और लोग हैं। हमारे यहाँ के शादाब नाम के लड़के के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था चौराहे के पास में, और तकरीबन 1.5 महीना उसको हो गया है और उसकी मृत्यु अगले दिन हो गई थी। उसे बुरी तरह से मारा गया था और उसमें जो है धारा 302 की जगह 304 में मुकदमा तरमीम कर दिया गया है। 308 और 325 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था और उस पर इस तरह से जानलेवा हमला हुआ था जिसमें उसकी मौत मौके पर ही हो जाती। वो तो पुलिस कर्मी वहाँ के जो हमारे लोकल थे वो सरकारी एम्बुलेंस में फिर करके ले आए थे और मतलब अस्पताल में इंदौर रेफर कर दिया था, इंदौर में मेरठ रेफर कर दिया था। तो वहाँ पर जाते ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग कप्तान साहब के पास आए हैं, प्रशासन से हमारी मांग है, सब लोग साथ में हैं, ये मुकदमा जो है वो 304 की जगह 302 में तरमीम किया जाए और एक व्यक्ति जो अभी गिरफ्तार होने से रह गया है उनकी गिरफ्तारी की जाए और 4 अज्ञात हैं जिसमें से और लोग भी इसमें शामिल हैं, उनमें जिनके ऊपर शक है इनको जाँच करके उन्हें अपना फरार। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।